हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2023। अब देखिए, अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, चाहे हम COP26 की बात करते हैं, चाहे COP27 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम मीथेन एज अ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के बारे में होलिस्टिकली पढ़ेंगे। मीथेन क्या होती है, क्या कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि मीथेन एमिशन्स करते हैं, प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि हम मीथेन एमिशन्स को कम कर पाएंगे, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, फॉसिल फ्यूल कंपनीज एमिटेड 120 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर इन 2022। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन मेट्रिक टन्स मीथेन एमिशन्स की हैं इन 2022। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमें पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में जो अग्रीमेंट किया गया था कि हमें अपना टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, तो यहाँ पर जो मीथेन की एमिशन्स हैं उसको कम करना पड़ेगा। अगर हम ये फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे टारगेट्स हैं हम वो भी फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। राइट, सो इसीलिए यहाँ पर यही रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट है उसने ये जज किया है कि जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 120 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मीथेन एमिशंस इनटू द एटमॉस्फेयर। अब की टेक अवेज क्या हैं उसको भी हम जान लेते हैं। अगेन देखिए, स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सपोजिटली आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें अपने पेरिस एग्रीमेंट्स को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मीथेन एमिशन्स हैं उसको भी कम करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको डेटा चाहिए सब्सटेंशिएट करने के लिए अपने आंसर को। राइट, सो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं द रिपोर्ट सेड 75% of the methane emissions from the energy sector can be reduced with the help of cheap and readily available technology. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब फॉसिल फ्यूल कंपनीज यहाँ पर इतना ज़्यादा 120 मिलियन मेट्रिक टन्स मीथेन एमिशन्स कर रही है। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो मीथेन एमिशन्स हो रही हैं, ये जो मीथेन एमिशन्स हो रही हैं ये हम रिड्यूस कर सकते हैं। 75% ऑफ द मीथेन एमिशन्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेडली अवेलेबल टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो इसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको मीथेन एमिशन्स देखने को मिल रहे हैं। राइट, ऐसी अगर हम बात करते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच मेजर्स वुड कॉस्ट लेस देन 3% ऑफ द नेट इनकम रिसीव्ड बाय ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इन 2022। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है एंड इट इज़ चीप। चीप का मतलब क्या है, अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, नेट इनकम की बात करते हैं, तो ये अगर आप खर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी में तो आपको सिर्फ 3% ही देखने को मिलेगा इसके ऊपर खर्चा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बट द फॉसिल फ्यूल कंपनीज फेल्ड टू टेक एनी सब्सटेंशियल एक्शन रिगार्डिंग द इशू। सो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपके एनर्जी सेक्टर में फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं ये इसको नहीं लेना चाहती। राइट, अब ये आप डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे करके मुश्किल हो रहे हैं। वो मुश्किल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत एनालिटिकल हो गए हैं। राइट, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम मीथेन एमिशन्स की बात करते हैं तो नेचुरली अकरिंग मीथेन एमिशन्स आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से देखने को मिलते हैं, दैट इज़ दी वेटलैंड्स। लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अगर वहाँ पर नेचुरल लिखा है तो मीथेन एमिशन सबसे ज़्यादा कौन करता है, दैट इज़ दी वेटलैंड्स। लेकिन अगर हम एंथ्रोपोजेनिक की बात करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है, जो ह्यूमन मेड है, तो आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर। दिस यू हैव टू रिमेंबर। राइट, नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर में भी सबसे ज्यादा मीथेन एमिशंस कौन सा सेक्टर कर रहा है, दैट इज ऑयल सेक्टर। राइट, सेकेंड नंबर पे आता है आपका गैस, कोल एंड देन दी बायो एनर्जी। सो अगर हम यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस, मीथेन इमिशंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, दैट इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी में भी सबसे बड़ा शेयर किसका है, दैट इज ऑयल।
आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? ऐसे ही आपको वेस्ट से भी मीथेन एमिशंस जनरेट होते हुए दिखते हैं. सो आप ये याद कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि मीथेन एमिशंस सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, दैट इज़ वेटलैंड्स. लेकिन अगर हम एंथ्रोपोजेनिक की बात करते हैं तो क्या है, दैट इज़ एग्रीकल्चर. एंड सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है, एनर्जी सेक्टर. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम मीथेन की बात करते हैं, सो मीथेन एमिशंस क्या हैं, अगर हम यहाँ पर अगेन डेटा एंड फैक्ट्स को कोट करते हैं, सो 25% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम फ्रॉम मीथेन. नाउ आप कह सकते हैं 1/4 ऑफ द एमिशंस जो हम एमिशंस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम मीथेन की बात करते हैं वो भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 25% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दैट इज़ अ ह्यूज नंबर. और ये मीथेन एमिशंस को हम रेडिली रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं हम उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकते हैं. अब हमें पता है जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, अगर हम मीथेन एमिशंस की बात करते हैं, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर क्या है, दैट इज़ एग्रीकल्चर. हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर से भी मीथेन एमिशंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. अब एनर्जी एंड ऑयल सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है, जो कि सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलता है. सो यहां पर हम टेक्नोलॉजीज यूज करके मीथेन एमिशंस को कम कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं ये जो 25% ऑफ द मीथेन एमिशंस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, वो हम मीथेन की एमिशंस को रिड्यूस करके कंट्रोल में ला सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आता है 35% ऑफ ऑल एंथ्रोपोजेनिक मीथेन कम्स फ्रॉम ऑयल गैस एंड कोल. सो हम ये देख चुके हैं कि अगर हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट आपको कहाँ से मीथेन एमिशंस देखने को मिलती है, दैट इज इन द ऑयल एंड द गैस सेक्टर. डन. नेक्स्ट अगर बात करते हैं व्हाई इज मीथेन अ बिग डील, हम मीथेन के बारे में इतना ज़्यादा क्यों बात कर रहे हैं. अगर आप कॉप 26 की बात करेंगे, कॉप 27 की बात करेंगे, दोनों में ही मीथेन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था. सो व्हाट इज़ द बिग डील अबाउट इट. सो जो अगर हम मीथेन की बात करते हैं, मीथेन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एज मच एज 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द वार्मिंग. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो यहाँ पर बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मीथेन की देखने को मिलती है. सो अगर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ा है टेम्परेचर, उसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है, दैट इज मीथेन एमिशंस की, राइट? सो अगर हम बात करते हैं, इट इज सेकंड ओनली टू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मेजर डील, राइट? हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करने की तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है, लेकिन मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करने की बात नहीं की गई थी. इसीलिए कॉप 26 और कॉप 27 में मेजर सिग्निफिकेंट एरिया कौन सा रहा था, मीथेन गैस रिडक्शंस. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रीन हाउस गैस. अब लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव एक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में 35% ऑफ ऑल द एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस कहाँ से होती हैं, दैट इज़ फ्रॉम द ऑयल सेक्टर. तो यहाँ पर हम चीप एंड अफोर्डेबल सोल्यूशंस हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे कि हम मीथेन रिडक्शंस कर सकते हैं. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें एमिशंस को ट्रैक करना पड़ेगा. देखिए, हम जब भी बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने यहाँ पर एमिशंस को ट्रैक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मीथेन को हमने ट्रैक करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, जो कि हमने कॉप 26 और कॉप 27 में लिया है, राइट? सो हम देख सकते हैं एमिशंस ऑफ सो कॉल्ड इनविजिबल गैस, इसको कहा जाता है इनविजिबल गैस, आर नॉट सफिशिएंटली ट्रैक्ड एंड लाइकली बिगर दैन सजेस्टेड बाय अवेलेबल डेटा. अब जो अवेलेबल डेटा है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि एक इनविजिबल गैस है जिसको हम ना ही ट्रैक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन शायद और भी बड़ा हो सकता है, राइट? सो दिस इज वाई हम मीथेन रिडक्शंस की बात कर रहे हैं, राइट? ऐसी आता है एक बैन वेंटिंग एंड फ्लेयरिंग. देखिए, जब भी हम फॉसिल गैस को बर्न करते हैं, तो यहाँ पर इंटेंशनली जो फॉसिल गैस है, इज इंटेंशनली वेंटेड और फ्लेयर्ड व्हेन डीम्ड नॉट कमर्शियली वायबल. तो हम जनरली क्या करते हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं या टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है ये जो फॉसिल फ्यूल है ये कमर्शियली वायबल नहीं है, तो हम जनरली इसको फ्लेयर कर देते हैं या वेंट आउट कर देते हैं. देखिए, फ्लेयरिंग का मतलब होता है जब आप उसको आग लगा देते हैं. तो यहाँ पर एमिशंस कौन सी देखने को मिलती है, मीथेन एमिशंस देखने को मिलते हैं. ऐसे ही अगर हम वेंटिंग की बात करते हैं, वेंटिंग का मतलब क्या है कि हमने ऐसे ही फॉसिल फ्यूल को जाने दिया इनटू
द एटमोसफेयर, दैट इज नोन एज वेंटिंग। तो यहाँ पर वेंटिंग की वजह से भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो मीथेन की एमिशंस हैं वो आपको हायर एंड पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी शुड बैन वेंटिंग एंड फ्लेयरिंग, जिसकी वजह से ये जो मीथेन गैस रिडक्शंस हैं ये हम फुलफिल कर पाएँ। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मीथेन एमिशंस, जिसको हम इनविजिबल मिनेस कहते हैं, राइट। कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपसे मीथेन रिडक्शंस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ब्रैकेट में ज़रूर लिखिए इट इज़ नोन एज दी इनविजिबल मिनेस। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस इज मीथेन एमिशंस। सो आप देख सकते हैं, अगर हम फ्लेयरिंग की बात करते हैं, इट इज़ बर्निंग एक्सेस नेचुरल गैस एट दी प्रोडक्शन वेल यूजिंग अ डेडिकेटेड फ्लेयर टू इग्नाइट दी मीथेन एंड अदर कॉम्पोनेंट्स इन दी गैस, जिसकी वजह से आपको मीथेन एमिशंस होती हुई दिखती हैं। अगर हम वेंटिंग की बात करते हैं तो वेंटिंग इज दी डायरेक्ट रिलीज ऑफ नेचुरल गैस इन टू दी एटमोसफेयर। सो ये जो मीथेन है CH4 को हम डायरेक्टली एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं और इसी को कहा जाता है वेंटिंग। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, फ्लेयरिंग और वेंटिंग में आपको डिफरेंस पता चला होगा। अब यही कहा जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैं वो जनरली क्या करती हैं, फ्लेयरिंग और वेंटिंग करती हैं, जिसकी वजह से आपको मीथेन एमिशंस होती हुई दिख रही हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम फ्लेयरिंग और वेंटिंग दोनों को ही बैन करें। तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स देने चाहिए जिससे हम क्या कर पाएँ, फ्लेयरिंग और वेंटिंग को बैन कर पाएँ। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस इज फ्लेयरिंग एंड वेंटिंग। नेक्स्ट आता है, अब देखते हैं हम मीथेन क्या है, जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। देखिए, जो मीथेन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 25-30% ऑफ द वार्मिंग सिंस दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। सो यही बात दोहराई जा रही है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मीथेन के लिए एज सच डेडिकेटेड कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे, दो इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन दी ग्लोबल वार्मिंग, राइट। नेक्स्ट आता है, अ रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑब्जर्व्ड दैट ओवर 20-year पीरियड मीथेन इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट एट वार्मिंग दैन दी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच हीट ईच गैस ट्रैप्स इन द एटमॉस्फेयर। एक गैस कितनी हीट ट्रैप करती है उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम 1 लेके चलते हैं तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 80 टाइम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ 80 टाइम्स मोर पोटेंट एट वार्मिंग दैन दी कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो आप देख सकते हैं How much each human caused greenhouse gas contributes to the total emissions around the globe? तो सबसे ज़्यादा contribution किसका देखने को मिलता है, That is carbon dioxide, approximately 76%। ऐसे अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो इट lingers on 16%, That is the second largest contributor। So अगर हम global warming potential के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक गैस कितनी हीट ट्रैप कर पाती है उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस में देखने को मिलेगा, दैट इज़ फ्लोरिनेटेड गैसेस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1000s और 10000s में आपको देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को 1 लेके चलते हैं तो इट इज़ इन कंपैरिजन विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर आपको मीथेन 25% ज़्यादा देखने को मिलेगा, हीट वो ज़्यादा ट्रैप कर सकती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो अगर अगेन आप देख सकते हैं, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर मच लॉन्गर दैन मीथेन, मीथेन इज रफली 25 टाइम्स मोर पावरफुल एट ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन लॉन्गर किसकी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देर तक लिंगर ऑन करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर पोटेंशियलिटी की बात करते हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा हीट ट्रैप करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर
अगर मीथेन की बात करते हैं, इट इज 25 टाइम्स मोर पावरफुल एट ट्रैपिंग दी हीट, राइट? सो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा. अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर मैं मेजर ऑफ पावरफुलनेस की बात करती हूँ कि हीट कौन ज़्यादा ट्रैप कर पाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीथेन इज अप्रॉक्सीमेटली 25 टाइम्स मोर पावरफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो दिस इज क्लाइमेट चेंज. अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल एफर्ट्स और नेशनल एफर्ट्स की, जिससे कि हम मीथेन की रिडक्शंस करना चाह रहे हैं. पहला एफर्ट है, दैट इज ग्लोबल मीथेन प्लेज. सो यहाँ पर ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं. सो ये जो प्लेज है, इट वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाई US एंड EU एंड इज एसेंशली एन अग्रीमेंट टू रिड्यूस द ग्लोबल मीथेन एमिशंस. सो यहाँ पर ग्लोबल एमिशंस जो मीथेन की हैं उसको रिड्यूस करने की बात करी गई थी. वन ऑफ द सेंट्रल एम्स ऑफ दिस अग्रीमेंट इज टू कट डाउन द मीथेन एमिशंस बाय 30% फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय द ईयर 2030. सो यहाँ पर बेस ईयर हमने क्या लिया है? 2020. हमारा मकसद क्या है कि 2030 तक हम 30% मीथेन एमिशन रिडक्शंस कर पाएँ, राइट? सो मेन एम याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि किन किन कंट्रीज ने इसको लॉन्च किया था. डन. एट दी ग्लासगो क्लाइमेट समिट, सो ये जो COP26 है उस टाइम ये कहा गया था, नियरली 100 कंट्रीज हैड कम टुगेदर इन अ वॉलेंट्री प्लेज, नाउ रेफर टू एज द ग्लोबल मीथेन प्लेज, टू कट आउट मीथेन एमिशंस बाय एटलीस्ट 30% बाय 2030 फ्रॉम द 2020 लेवल्स. अब ये याद रखना है, जब हम COP26 की बात करते हैं तो उस टाइम भी ये प्रोमिनेंट न्यूज़ बनी थी, दैट इज ग्लोबल मीथेन प्लेज. सो यहाँ पर मोर देन 100 कंट्रीज वॉलेंट्री यहाँ पर प्लेज ली गई है, जहाँ पर ये कहा गया है कि हम मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे 30% बाय 2030. लेकिन यहाँ पर बेस लेवल क्या है? 2020. याद रखना 2020 है, कन्फ्यूज मत होना, राइट? सो दिस इज ग्लोबल मीथेन प्लेज. नेक्स्ट देखते हैं, अगेन वही मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सितंबर 2021 में किया गया था. यहाँ पर मेन एम क्या है कि हम 30% रिड्यूस कर पाएँ मीथेन एमिशंस 2030 तक एज कम्पेयर टू 2020 लेवल्स. नेक्स्ट आता है मार्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आपके प्रिलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. अगर हम मार्स की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, इट इज़ मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम. अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमने अभी पढ़ा था कि जब हम मीथेन की बात करते हैं तो इट इज़ इनविजिबल मीनेस. इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने इसकी प्रॉपरली ट्रैकिंग ही नहीं की है. अब इसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर हम सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, सैटेलाइट्स यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगी कि कहाँ पर मीथेन एमिशन सबसे ज़्यादा हो रही. तो जब आपको सोर्सेस पता चल जाएंगे कि यहाँ पर मीथेन सबसे ज़्यादा आपको एमिट होती हुई दिख रही है, तो जब हम सोर्सेस देख पाएंगे तब हम पॉलिसीज बना सकते हैं कि यहाँ पर मीथेन एमिशन्स को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, राइट? सो यहाँ पर वही बात करी गई है, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको हम मार्स कहते हैं. सो यहाँ पर डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा और यहाँ पर हम मीथेन एमिशन्स को डिटेक्ट करेंगे एवरीवेयर इन दी वर्ल्ड, ठीक है? जहाँ पर भी आपको मीथेन एमिशन्स होती हुई दिख रही हैं वहाँ पर आपको पहले डेटा दिया जाएगा और उस डेटा के बाद यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा, राइट? सो यहाँ पर डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, उस कंट्री को नोटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपनी मीथेन रिडक्शंस कीजिए. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो दिस इज मार्स. नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हैं अगेन जो आपकी UNEP है, इट अनाउंस्ड एट COP27 द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, अ न्यू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट दी मीथेन एमिशंस एंड अलाउ गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस टू रिस्पॉन्ड. सो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा गया था. अगेन ये कब हुआ है? COP27 में. अगर हम ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में बात करते हैं तो वो कब लागू किया गया था? COP26 में. लेकिन अगर मैं मार्स की बात करती हूँ तो ये COP27 का है, जहाँ पर हम मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम ला रहे हैं, जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कि हम मीथेन एमिशंस को डिटेक्ट कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज मार्स. नेक्स्ट आता है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये भी एक इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अगेन योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स टू द रिकवरी एंड यूज ऑफ मीथेन एज अ वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स.
अब देखिए इसका मकसद क्या है कि यहाँ पर मीथेन एमिशंस हो रही हैं। अब मीथेन एमिशंस को हम रिड्यूस भी करना चाहते हैं। अब हमारा मकसद क्या है, क्योंकि मीथेन जो एज अ गैस है इट कैन बी यूजफुल फॉर अदर पर्पसेस, तो यहाँ पर हम उसको पहले कैप्चर करें, स्टोर करें और उसके बाद यूटिलाइजेशन करें। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर हम ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं मीथेन एमिशंस की। पहले हम उसको कैप्चर करें, स्टोर करें और फिर उसको यूटिलाइज कर पाएं किसी और वे में, जिससे कि हम मीथेन को भी एक सक्सेसफुल सोर्स की तरह यूज़ कर पाएं। राइट, ऐसे ही जो GMIA इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू डिप्लॉय मीथेन टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेजर मकसद क्या है कि हम यहाँ पर मीथेन टू एनर्जी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। सो GMIA फोकस ऑन 3 सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, बायोगैस एंड कोल माइंस। हमें पता है यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन एमिशंस क्या है, दैट इज़ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। सो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से जो आपको मीथेन एमिशंस होती हुई दिख रही हैं, उस मीथेन एमिशंस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ। बट वो यूटिलाइज कब कर पाएंगे, जब हम उसको कैप्चर कर पाएंगे, उसको स्टोर कर पाएंगे और उसके बाद हम मीथेन टू एनर्जी उसको बना पाएंगे, जिससे कि हम सक्सेसफुली यूटिलाइज कर पाएँ मीथेन एमिशंस को। सो दिस इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया था हरित धारा। देखिए हरित धारा क्या है, जो हमारी आईकार है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उन्होंने डेवलप की है एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे काउज हैं, बफलोज हैं, वो जब कडिंग करती हैं तो उसकी वजह से जो बर्पिंग होती है, उस बर्पिंग में आपको देखने को मिलता है मीथेन एमिशंस। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर हम फीड सप्लीमेंट एक ऐसी बनाएंगे जो एक्चुअली में एंटी मिथेनोजेनिक फीड होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फ्रॉम योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि हरित धारा क्या है। राइट, सो किसने बनाई है, आईकार ने बनाई है क्या ये एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट। राइट, इट इज मेड फ्रॉम, अब ये किससे बनी हुई है, मेड फ्रॉम टैनिन रिच प्लांट बेस्ड सोर्सेज। अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखना है क्या है, टैनिन रिच प्लांट बेस्ड सोर्सेज, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स कंटेनिंग टैनिन्स, बिटर एंड एस्ट्रिजेंट केमिकल कंपाउंड्स आर नोन टू सप्रेस और रिमूव प्रोटोजोआ फ्रॉम दी रुमेन। सो जो प्रोटोजोआ रुमेंस में आपको देखने को मिलता है, जो कि काओ, बफलो, शीप वगैरह होती हैं, उसमें आपको जो ये आपको प्रोटोजोआ देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में मीथेन में जो कन्वर्जन कर देता है, तो यहाँ पर ये देखा गया है जो भी प्लांट्स टैनिन्स वगैरह देखते हैं, टैनिन्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो वहाँ पर आपको देखा गया है कि मीथेन एमिशंस रिड्यूस हो जाती हैं। सो यहाँ पर वही कहा गया है, इट कट्स डाउन मीथेन एमिशंस इन कैटल बाय 17-20%, रिजल्ट्स इन हायर मिल्क प्रोडक्शन एंड बॉडी वेट गेन। सो यहाँ पर जो वो बर्पिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको मीथेन एमिशंस देखने को मिलती हैं, वो मीथेन एमिशंस ना देखने को मिले, तो यहाँ पर एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट बनाया गया है। किसके द्वारा, आईकार के द्वारा। ये बना किससे है, टैनिन रिच प्लांट से। ये टैनिन रिच प्लांट्स एक्चुअली में क्या करते हैं, ये जो आपको प्रोटोजोआ रुमेंस में देखने को मिलता है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं, विच इवेंचुअली रिड्यूसेस दी बर्पिंग। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। राइट, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काउज हैं या फिर अदर एनिमल्स हैं, हाउ डू दे प्रोड्यूस मीथेन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये ग्रेज करते हैं। अब जब ये ग्रेजिंग करते हैं तो यहाँ पर इनका एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास में आपको देखने को मिलता है सबसे ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज सेलुलोज। अब हम तो ग्रास नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा नहीं बना। हम ग्रास को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, या फिर रॉ प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एक हार्डर कवरिंग देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज सेलुलोस। बट ये जो रुमिनेंट्स हैं, ये रुमिनेंट स्पीशीज के पास एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इस सेलुलोस को भी ब्रेक डाउन करता है।
आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट. जो स्टमक्स होते हैं रुमिनेंट्स के, दे हैव 4 कंपार्टमेंट्स. इनके पास 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उन 4 कंपार्टमेंट्स में आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिलता है विच इज रुमिन. उसका नाम क्या है, रुमिन, विच हेल्प्स देम टू स्टोर पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंड लेट इट फर्मेंट. अब क्या करते हैं, जब वो कडिंग करते हैं, कडिंग का मतलब क्या होता है, जब वो ग्रास को खाते हैं, उस ग्रास को पहले पार्शली डाइजेस्ट कर लेते हैं. वो ग्रास जो पार्शली डाइजेस्टेड है, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, एक कंपार्टमेंट में. उस कंपार्टमेंट का नाम क्या है, रुमिन. क्या नाम है, रुमिन, राइट. अब वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, वहाँ पर उसको वेट करने दिया जाता है, और जिससे कि वो फर्मेंट हो सके. जब यहाँ पर फर्मेंटेशन होगी, उसके बाद ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड को दोबारा अपने मुंह में लेके आते हैं, जिसको हम कडिंग कहते हैं, और वो दोबारा इसको डाइजेस्ट करते हैं. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट. हाउएवर, एज ग्रास एंड अदर वेजिटेशन फर्मेंट्स इन द रूमन, इट जनरेट्स मीथेन. अब यहाँ पर जो फर्मेंटेशन होती है, इसी की वजह से आपको मीथेन एमिशंस जो है, मीथेन की जनरेशन आपको देखने को मिलती है. जब भी वो बर्पिंग करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं मीथेन. तो यहाँ पर हरित धारा एक्चुअली में क्या है, आईकार ने एक फीड सप्लीमेंट बनाया है जो कि एंटी मेथेनोजन है. एंटी मेथेनोजेनिक का मतलब क्या होता है, ये जो मीथेन एमिशंस हो रही हैं, ये मीथेन एमिशंस नहीं होंगी, और यहाँ पर जो मीथेन उनके रुमेन में फॉर्म हो रहा है, वो भी नहीं होगा. क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है जो एक्चुअली में फर्मेंटेशन करता है और मीथेन एमिशंस सिक्रीट करता है. यहाँ पर जो मीथेन है, उसी की प्रोडक्शन को रोक दिया जाएगा बाय एन एंटी मेथेनोजेनिक फीड. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो यहाँ पर बर्पिंग की वजह से वो क्या करते हैं, इस मीथेन जो प्रोडक्शन हुई है, इसको रिलीज करते हैं. तो यहाँ पर जो मीथेन प्रोडक्शन हो रही है, हम उसी को रोकना चाह रहे हैं, तभी यहाँ पर हरित धारा बनाई गई है, राइट. सो दिस इज द प्रोसीजर जैसे एनिमल्स जो हैं वो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीथेन एमिशंस पर एनिमल, पर ह्यूमन, पर ईयर. सो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर वेस्टर्न कैटल की बात करते हैं, तो पर ईयर ये 120 kg ऑफ मीथेन एमिशंस करती हैं, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर. ऐसी अगर हम नॉन वेस्टर्न कैटल की बात करते हैं, तो आपको 60 kg की प्रोडक्शन देखने को मिलती है. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो आपको सिर्फ 0.12 kg देखने को मिलता है. तभी हम ज़्यादा सिग्निफिकेंस किसको दे रहे हैं, इन रुमिनेंट स्पीशीज़ को. क्यों, क्योंकि रुमिनेंट स्पीशीज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इन दी मीथेन एमिशंस, राइट. सो दिस इज द डायग्राम जहां से आप रिलेट कर पाएंगे कि हम क्यों इन रुमिनेंट स्पीशीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस की जो प्रोडक्शन है, दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द रुमिनेंट स्पीशीज. डन. नेक्स्ट देखते हैं, अब रिसर्चर्स ने क्या किया है. देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हरित धारा आईकार ने बनाई है, वैसे ही आप देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी है ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में, जिनका एम क्या है, टू कर्टेल दी मीथेन एमिशंस ऑफ काउ बर्ब्स. सो जो काउ बर्ब्स हो रही हैं, वो ना हो, मीथेन एमिशंस रिड्यूस हो पाए. तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप देखने को मिल रहा है, दैट इज़ रुमिन 8. याद रखना है, अगेन आपसे प्रिलिम्स में पूछ सकते हैं कि रुमिन 8 क्या है, तो देख बता सकते हैं कि एक स्टार्टअप है जिसका मेन एम क्या है, टू कर्टेल दी मीथेन एमिशंस ऑफ दी काउ बर्ब्स, राइट. सो आप देख सकते हैं रुमिन 8 इजंट दी फर्स्ट वन टू फाइंड अ डाइट्री सॉल्यूशन टू कर्ब मीथेन फ्रॉम दी रुमिनेंट स्पीशीज. सो साइंटिस्ट जो हैं, वो बहुत सारे फील्ड में वर्क कर रहे हैं, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रुमिनेंट्स हैं, वो एक्चुअली में मीथेन प्रोड्यूस ही ना कर पाए, राइट. सो यहाँ पर बहुत सी टेक्नोलॉजीज इंटरवीन करी जा रही हैं, जिसमें फीड सप्लीमेंट्स जो एंटी मेथेनोजेनिक हैं, वो भी बनाए जा रहे हैं. प्लस यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की भी कोशिश की जा रही है कि जिससे कि इनके जीन्स में ही ऐसी वेरिएशंस लेके आ जाएं, जिससे कि वो मीथेन प्रोडक्शन कर ही ना पाए, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिसर्चर्स. ओके, सो हम देखते हैं अब MCQ फॉर प्रैक्टिस. अब देखिए, यहाँ पर हमने मीथेन को होलिस्टिकली कवर कर लिया है, चाहे फिर वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हों जो कि एक्चुअली मीथेन रिडक्शंस में प्रॉस्पर कर रही हैं, चाहे फिर हम नेशनल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें जहाँ पर हम मीथेन रिडक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं.
अब इसी में हम एक MCQ को प्रैक्टिस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. यहाँ पर हम मीथेन हाइड्रेट को भी प्रॉपरली समझ लेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स. सेकेंड है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर. थर्ड है मीथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और टू. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं. 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2 and 3. अब देखिए यहाँ पर हम मीथेन हाइड्रेट को पहले समझ लेते हैं. पहले इसका आंसर देख लीजिए. आंसर होगा डी. तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इसको अच्छे से समझ लेते हैं. देखिए अगर हम मीथेन हाइड्रेट की बात करते हैं वो एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब आप देख सकते हैं ये है एक मीथेन हाइड्रेट. अगर मीथेन की बात करते हैं तो वो क्या है, CH4. आपको एक कार्बन कंपाउंड देखने को मिलेगा, कार्बन का एटम देखने को मिलेगा विच इज़ सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स. दिस इज़ क्लियर. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. अब जब भी हम मीथेन हाइड्रेट की बात करते हैं तो हाइड्रेट क्या है, इट एग्जिस्ट्स अंडर लो टेम्परेचर. सबसे पहले इसकी एग्जिस्टेंस के लिए कुछ आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. सबसे पहले है कि वो एग्जिस्ट कहाँ पर कर पाएगा, जब लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा. तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हुई. तो अब आप ये स्टेटमेंट देखो, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा. आर्कटिक टुंड्रा का मतलब क्या है, जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा. एंड अंडर दी सी फ्लोर. जब आप सी फ्लोर के नीचे जाएंगे तो भी आपको टेम्परेचर लो होता हुआ दिखेगा और प्रेशर हाई होता हुआ दिखेगा. इसका मतलब दे आर दी थिंग्स जहाँ पर आपको मीथेन हाइड्रेट मिल सकता है. तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. तो सबसे पहले तो हमने एग्जिस्टेंस देख ली कि मीथेन हाइड्रेट एग्जिस्ट कहाँ करता है. अब ये हाइड्रेट एक्चुअली में क्या होता है, जब मीथेन आपको एक केज लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ये जो आपको ब्लू पार्ट में देखने को मिल रहा है, दीज आर ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स. ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या करते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं मीथेन के आसपास. तो उस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है मीथेन हाइड्रेट. क्या कहा जाता है, मीथेन हाइड्रेट. अब क्योंकि ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में देखने को मिलता है तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने लग जाएगा. ऑब्वियस सी बात है ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है ये टूटना शुरू हो जाएगा. जब ये टूटना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेबलाइज हो जाएगा और ये एटमोसफेयर में एस्केप कर सकता है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो आपकी मीथेन एमिशन्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी. तो यहाँ से अगेन आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स. यस इट इज़ ट्रू. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब लो टेम्परेचर नहीं रहेगा जो कि एक्चुअली में इसकी कंडीशन है. तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको मेल्ट होता हुआ दिखेगा और ये जो आपका मीथेन का मॉलिक्यूल है ये एटमोसफेयर में एस्केप कर जाएगा. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो वेन ब्रॉट टू अर्थ सरफेस 1 cubic meter ऑफ गैस हाइड्रेट रिलीज अबाउट 164 cubic meters ऑफ गैस. सो आप देख सकते हैं अगर ये हाइड्रेट पिघलता है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको मीथेन एमिशंस मैनी फोल्ड होती हुई दिखेगी. राइट. सो ये ट्रैप कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर भी सिंपल सी बात है आपको लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर देखने को मिलेगा. राइट. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो दिस इज़ अब आई गेस आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हो गए. अब थर्ड है मीथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और टू. तो ये हम जनरली एनवायरनमेंट के चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि जब हम मीथेन को जब ये एटमोसफेयर में चला जाएगा तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो डेकेड और टू के बाद ये जो मीथेन है ये एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. और वंस इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन की तरफ आपको देखने को मिलता है इनटू द एटमोसफेयर. सो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको एटमोसफेयर में देखने को मिलेगा. इसीलिए आपकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती. राइट. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. ठीक है. सो मिथानोजेंस के बारे में देख लेते हैं. दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक
बाय प्रोडक्ट इन हाइपोक्सिक कंडीशंस। सो अगर मिथानोजेंस की बात करते हैं, जैसे कि हरित धारा है वो एंटी मिथानोजेनिक है। एंटी मिथानोजेनिक का मतलब क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्चुअली में क्या करते हैं, ये मीथेन बनाते हैं इन हाइपोक्सिक कंडीशंस। हाइपोक्सिक का मतलब क्या होता है, जब आपको लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इसको फॉर्म कर देते हैं इनटू मीथेन, उसको कहा जाता है मिथानोजेंस। क्या कहा जाता है, मिथानोजेंस। अगर हम मीथेन हाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा है। सो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एक्चुअली में मीथेन के मॉलिक्यूल को कर्व करके बैठा है। सो आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय अ केज ऑफ इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर आपको केज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, जिसके बीच में क्या ट्रैप्ड है, दैट इज मीथेन, राइट। सो दिस वॉज द टॉपिक जहाँ पर हमने मीथेन के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज़ पढ़ ली है। तो अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा हो तो मीथेन के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।